हेलो बेटलवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह आप लोग बढ़िया ही होंगे और खुशी से वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इंतजार होगा कि संजू का रिप्लाई कब आता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय वसावा और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू बहन ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप लोगों को जेड पैक के दो दो वीडियो आ जाने के बाद संजू क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा ऐसा लग रहा होगा। तो फाइनली अभी मेरा रिप्लाई आ चुका है। और दोस्तों, पहला वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ वीडियो में मैं भी गलत ही हूँ। उसने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा एडिट करके दिखाई है। और जो स्टार्टिंग में उसने दिखाया है क्लिप कि माफ़ी मांग ले, तो माफ़ी मांग ले मैंने सुपर यंगर से माफ़ी मांगने के लिए नहीं बोला था। मैंने अपने आदिवासी समाज से माफ़ी मांगने के लिए बोला था, लेकिन आदिवासी समाज ऐसा उस वीडियो में बोला नहीं था। ये मेरी गलती है। और दूसरी बात, मैंने उससे वैसा कुछ बोला नहीं है, गाली वाली दिया नहीं है। गाली मैंने थंबनेल में डाला था, गाली, और वो गाली क्या है मुझे पता ही नहीं। मैंने, सब लोग बोलते रहते बड़वे बड़वे, तो मैंने बड़वे बड़वे तुझे ओपन चैलेंज ऐसा वीडियो में बोला था, लेकिन उसको ऐसे बार बार गाली नहीं दिया था। लेकिन इसका तो पूरे वीडियो में ही, आप देख, अगर आपने वीडियो देखा होगा जेड पैक का, तो पूरे वीडियो में ही बड़वे 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 यही बोला है। और दूसरी बात कि मैंने कि उसको कभी भी नहीं बोला कि भाई तू तो लड़की के ऊपर वीडियो बनाता है, या फिर तो किसी किसी और बाबत में मैंने बोला ही नहीं है। मैंने उसे सीधा सीधा बताया कि भाई हम सब बैंड का वीडियो बनाते हैं और सब बैंड के साथ एक जैसा रहना चाहते हैं। लेकिन रॉकी लवर को वो भड़का रहा है, वो सही बात है। और हम किसी भी बैंड का अगर सिंगल में भी वीडियो डालते हैं, रॉकी का कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके भड़काने की वजह से जो रॉकी लवर है उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो रॉकी के फैंस है तो रॉकी का अच्छा ही चाहेंगे। तो वो हमारे दूसरे वीडियो में, यानी कि दूसरे बैंड का वीडियो डालते हैं, वहाँ पे गलत कमेंट करते हैं। अभी कुछ लोग रॉकी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, या फिर सही भी हो सकते हैं। तो बहुत ही गर्म, बहुत ही खराब, इतना खराब माहौल कि देखो दोस्तों, पहले क्या होता था कि टक्कर होती थी, लोग 1 महीने में भूल जाते थे, लेकिन अभी देखो 3-4 महीने होने को आए हैं, 4 तो नहीं लेकिन 3 महीने तो हो गए दोस्तों। तो इतना लंबा मैटर हमको नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए मैंने बोला कि क्यों भाई, क्यों लोग भूलना भी चाहते हैं तो बार बार तू क्यों, और आदिवासी दिन पर ही तूने वो वीडियो 3-3 बार क्यों डाला? अच्छा ठीक है, चलो माना, और तू तो कभी स्पोर्ट पे जाता ही नहीं है। पहली और आखिरी बात, तू मेरा वीडियो, हाँ मेरा ही वीडियो, और बाकी यूट्यूबर का वीडियो चुरा चुरा के, उस पर ही कंटेंट बनाता है, और हमको बोलता है कि हम लोग गलत है। और इतना खतरनाक है अंकित मास्टर का म्यूजिक कि लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जा रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है अंकित मास्टर का म्यूजिक कुछ ऐसा है कि लोग एक बार सुन लेते हैं तो लोगों का वो म्यूजिक दिल छू लेता है। देखा दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो मेरा ही वीडियो है, मेरे चैनल का वीडियो है, जो कि वो यूज करता है। और उसने क्या बताया कि अंकित मास्टर के म्यूजिक पे लड़कियां दीवानी हो जाती है और नाचती है। तो मैंने ही बोला था वो दिव्या को, वो उसको बैंड की लाइन में मैं ही लाया था, वो उसको गरबा के लिए कांति भाई ने बुलाया था, लेकिन बैंड लाइन में मैं ही लाया था उसको। तो उसको मैंने ही बोला था कि थोड़ा डांस वांस कर, वीडियो अच्छा बन जाएगा। और ये भाई बोलता है कि भाई अंकित भाई के म्यूजिक पे सिर्फ लड़कियां दीवानी हो जाती है। तो वो अब हमारा ही वीडियो यूज करके कंटेंट बनाता है और हम पर ही इल्जाम लगाता है कि भाई हम लोग गलत है। हमारे वीडियो के ऊपर तू जीता है, कभी भी तू खुद वीडियो नहीं बनाता है। तूने पुराने वीडियो बनाए हैं 2 साल पहले, वही है, बाकी तो तूने फिर कोई भी वीडियो ऑन द स्पॉट जाके नहीं बनाया है। तूने दूसरे के वीडियो उठाए हैं, कुछ ना कुछ गलत तरीके से एडिट करके कुछ और ही दिखाने की कोशिश की गई है। आज के वीडियो में मैं पहले वीडियो का रिप्लाई दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसने जो लड़की वाला मैटर बताया ना कि मैं लड़कियों पर फोकस करता हूँ, तो बताता हूँ कि ये कितना दूध का धुला हुआ है। आप ये वीडियो क्लिप देखिए पहले, तो इसने खुद खुद, और उसमें जो गाना बज रहा है वो भी दूसरे का एडिटिंग किया है। और देखिए आप कि मैंने तो किसी लड़की पे जूम नहीं किया है, जो है ओरिजिनल ही शूट किया है, लेकिन इसने तो जो लड़कियां डांस कर रही है उनकी कमर पे देखो किस तरह से जूम कर करके वीडियो डाला है, देखो पहले तो। हाँ तो देखा दोस्तों, पूरा वीडियो देखना है तो इसकी चैनल पे जाइए और ये वीडियो डिलीट कर दे, इससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। और इसमें
किस तरह से इसने जूम कर करके डाला है और मेरे को बोलता है कि मैं लड़कियों पे फोकस करता हूँ और अपने भाई अपनी बहनों को बचाओ और घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इज्जत जाएगी, ये सब बोल रहा है ना। तो ये सब क्या है भाई, ये सब क्या ऑटोमेटिक आ गया, कोई तो, कोई दूसरा अपने तेरी चैनल पे डार्क चला गया, मेरे को भड़वा बोलता है ना। और तू कैमरे के पीछे हमेशा बात करता है, तू सामने आकर बात कर। और मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे तेरी एक ही बात बुरी लगी, तेरे चैनल पर एक ही वीडियो मुझे अच्छा लगा, वो है आदिवासियों को मणिपुर को लेकर जो वीडियो बना है वो तुझे बहुत ही बेहतर बनाया है। और मैं वो भी बोल सकता हूँ कि वो मेरा ही कॉपी करने की कोशिश की है, क्योंकि वो चीज़ मैंने 3 हफ्ते पहले डाली थी और तूने 13 दिन पहले, तो मेरा ही वीडियो इम्प्रेशन मेरे ही वीडियो से इम्प्रेस हो के तूने वो वीडियो बनाया है और काफ़ी सारी मेरी कॉपी करने की कोशिश की है। और तूने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें जो जय हिंद जय आदिवासी जय जौहर बोला है वो भी तूने मेरा ही वीडियो देख कर सीखा है, क्योंकि तू लास्ट में सभी वीडियो में बोलता है कि सब्सक्राइब करते जाना, मैंने बताया था कि जय हिंद जय जौहर, तो वही चीज़ तूने कॉपी की है मेरे से, यानी कि हमारे को ही कॉपी करता है और हम ही को सिखाता है कि क्या है। और गाइस मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, दूसरा वीडियो पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, उसने जैसा बोला है वैसा ही। और मैं चलो भाई, वो पहला वीडियो बनाए वो तो समझ में आता है, लेकिन तूने मेरे खिलाफ रॉकी लवर्स को भड़काने की कोशिश की है ना, और वो गलत है, बहुत ही गलत है। तेरे को अभी मैं कैसा गलत साबित करता हूँ, देख मैं पिंटू भाई के साथ वीडियो बनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि मैं रॉकी लवर हूँ या नहीं हूँ। उसके लिए दूसरा वीडियो आएगा दोस्तों, आप इंतजार कीजिए। और रॉकी लवर में जो जहर घोल रहा है मेरे खिलाफ, रॉकी लवर्स को भड़का रहा है, तो वो उसको भी मैं गलत साबित करने वाला हूँ। बहुत ही जल्द वीड़ियो आएगा दोस्तों। ये तो था पहला पड़ा, और दूसरा कि जो उसने बोला पहले वीडियो में, पहला वीडियो में इसका गलत साबित करना चाहता कि मेरे घर पे भाई कोई लड़की वाले आ गए थे और मेरा मोबाइल छीन लिया था, मुझे मारने वाले थे। तो ये खबर तेरे को कहाँ से मिली भाई, किसने ये सब बताया कि मेरा मोबाइल छीन लिया था, और वो कौन लगे पता है, मेरे ही दोस्त थे। और भाई उन्होंने वो वीडियो में थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, वीडियो सिर्फ डिलीट करने को बोला था और वो मेरे दोस्त लोग हैं ओके, और किसी ने मुझे मारा नहीं है, और मारने की भी उसने बोला था साफ साफ, कोई और होता तो भाई तुझे मारते ऐसा बोला था, लेकिन तू तो हमारा ही दोस्त निकला इसलिए सिर्फ वीडियो डिलीट कर दे, और मोबाइल तो छीना ही नहीं था, और क्या गलत गलत वीडियो बनाए। और भाई तू वीडियो कैमरा के पीछे कुत्ते की तरह भौंकता है ना, सामने आकर बात कर, सामने आकर बात करनी है तो कर, मैं नवरा नहीं हूँ तेरे लिए बार बार वीडियो बनाने को। मेरा खेत में भी काम रहता है, घर में भी काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, और मेरे जो सब्सक्राइबर कॉमेंट करते हैं मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, तेरे लिए मेरे पास बार बार टाइम नहीं। अगर मुझे गलत साबित करना है फुल एंड फाइनल बोल देता हूँ मैं, मेरे सामने आमने सामने बैठकर बात करेंगे, सब यूट्यूबर को बुलाएंगे, अगर कोई बैंड मालिक आना चाहता है उसको भी बुलाएंगे। और भाई तूने बहुत कुछ डाला है ना कि ये बैंड वाले के साथ ऐसा गर्मा गर्मी हो जाएगी, तो मैं उनसे डायरेक्ट लाइव मिलता हूँ, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं सामने जाता हूँ, मेरे को अगर बैंड वाले को मेरे से प्रॉब्लम होगी तो मुझे डायरेक्ट बोल सकता है, किसी ने भी आज तक मुझे नहीं बोला, ना ही पिंटू भाई ने बोला है और ना ही जयेश भाई ने बोला है। और जिन लोगों के ऊपर मैंने वीडियो एरो बना के डाला है ना, उन लोगों के साथ मैं बार बार वीडियो बनाता, तेरी तरह नहीं छुप के वीडियो बनाता ओके। तो अभी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तू इंतजार कर और तेरी पूरी पोल खुलेगी। तेरे फैंस बोल रहे हैं ना, जो तेरे चमचे हैं वो लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी खोल के रख दी, क्या खोल के रख दी भाई, तेरी तो मैं फाड़ के रख देने वाला हूँ, बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सबूत है। तो बेटा इंतजार कर नेक्स्ट वीडियो का, तेरी पूरी पोल खुलने वाली है। और तू मर्द है ना, सही में फैक्ट वाला, हकीकत, फैक्ट का मतलब हकीकत, तू सच में अगर हकीकत पे वीडियो बनाता है तो सामने आ, वरना साले चुपचाप बैठ जा चूड़िया पहन के, समझा क्या, तुझे मैं खुले हम बोलता हूँ, तू मुझे गलत साबित नहीं कर सकता, तू ही गलत है ओके, सामने आकर बात करना नेक्स्ट बार।